यहाँ पे क्लेविकल बोन्स टू प्रेजेंट होती है, उनके मिड पॉइंट से गुजर के ये अपवर्ड से लेके नीचे की तरफ जाती है, फ्रॉम अप टू डाउनवर्ड्स। एंड दीज टू लाइन्स, जो ये दो लाइन्स होते हैं, इनके नाम होते हैं, तो इन दो लाइन्स का नाम होता है मिड क्लेविक्यूलर लाइन्स। क्या है बोलते हैं इनको? मिड क्लेविक्यूलर लाइन्स। जो ये वाली लाइन होती है फ्रॉम राइट टू राइट लंबर रीजन टू लेफ्ट लंबर रीजन, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं सब कोस्टल लाइन। क्या बोलते हैं? सब कोस्टल लाइन। और जो ये इमेजिनरी लाइन है जो सेपरेट करती है, जो अलग अलग करती है किस किस को, स्टोमक और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन को, या राइट लंबर रीजन को और लेफ्ट राइट इलिक रीजन को, तो इसी तरह अपोजिट साइड में लेफ्ट साइड को भी ये क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं, अलग अलग करती हैं। तो इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस वाली लाइन को हम बोलते हैं इंटर ट्यूबेरिक्यूलर लाइन, इंटर ट्यूबेरिक्यूलर लाइन। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया नाइन रीजन्स के बारे में, नौ इलाकों के बारे में जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन जो होती है, ये आपको पता होनी चाहिए कि एक एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होता है। मेनली अगर हम एक इंडिविजुअल को, एक बंदे को खड़ा कर देंगे, तो वो होना चाहिए अपराइट पोजीशन में। अपराइट पोजीशन में वो खड़ा होगा, उसके बाद जो उसका हेड होगा वो फॉरवर्ड की तरफ होना चाहिए, आगे की तरफ होना चाहिए। इसके साथ साथ इसके जो आर्म्स होंगे, यानी कि दो बाजू जो होंगे, वो साइड लाइन पोजीशन में होनी चाहिए, यानी नीचे की ओर होने चाहिए, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द ग्राउंड होने चाहिए। साथ साथ जो पाम्स होंगे, हथेलिया जिनको हम बोलते हैं, ये वाले, तो ये भी पाम्स ऑफ द हैंड जो होंगे, जब आर्म्स साइड लाइन में होंगे, तो इसके साथ साथ जो पाम ऑफ द हैंड हथेलिया होंगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इनकी पोजीशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे पैर होने होंगे, फीट होंगे, तो वो क्या होने चाहिए? वो होने चाहिए टुगेदर, यानी इकट्ठे होने चाहिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे इनके बारे में, डायरेक्शनल टर्म्स के बारे में। तो डायरेक्शनल टर्म्स जो होती हैं, ये वो टर्म्स होती हैं जो पियर्ड होती हैं, जो पियर्स में प्रेजेंट होती हैं, और इनकी वजह से हम लोकेट कर सकते हैं, इनकी वजह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं लोकेशन किसी भी बॉडी पार्ट का, ठीक है? तो इनको हम कम्युनिकेशनल टर्म्स भी बोल सकते हैं, और ये हमेशा पियर्स में होते हैं। जैसे कि हम पहली टर्म बोलेंगे, पहली टर्म होती है मीडियल। मीडियल के साथ हम यूज कर सकते हैं दूसरे टर्म को, उसको बोलेंगे लेटरल। जो मीडियल होती हैं, मीडियल मींस वो वाला स्ट्रक्चर जो नियरर होगा टू द मिडिल लाइन, स्ट्रक्चर विच इज नियरर टू द मिडिल लाइन, गॉट इट? और स्ट्रक्चर विच इज फर्दर अवे फ्रॉम द मिडल लाइन, ठीक है? मीडियल में हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? सपोज इफ दिस इज अ पर्सन, दिस इज अ बॉडी, दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, तो जो यहाँ पे ये सेंट्रल लाइन में डालता हूँ, दिस इज द मीडियल लाइन। अब अगर कोई पार्ट इसके नजदीक होगा प्रेजेंट, सो नियरर टू दिस वी कॉल्ड दिस एज मीडियल। सो द हार्ट जो है, इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से कोट कर सकते हैं, द हार्ट इज मीडियल टू द ह्यूमरस। जो हार्ट है वो क्या है? द हार्ट इज मीडियल टू द ह्यूमरस।
ये टुवर्ड्स मिडल लाइन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमरस, ठीक है। इसी तरह लेटरल को हम बोल सकते हैं जो अवे फ्रॉम द मिडल लाइन होगा, ठीक है। अवे फ्रॉम द मिडल लाइन दैट मीन्स द ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस इज लेटरल, दैट मीन्स ऑन द साइड लाइन टू द हार्ट, ठीक है। या इसको हम दूसरी एग्जाम्पल ये भी बोल सकते हैं कि जो, अब छोड़िए इसको मीडियल और लेटरल को, ये एक एग्जाम्पल करके दूसरी, दूसरा मैं बोलूँगा दूसरी डायरेक्शनल टर्म वो ये होती है कि हम बोल सकते हैं कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर दूसरी डायरेक्शनल टर्म, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर में क्या होता है कि इसमें पार्ट ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड नियर द फ्रंट ऑफ द बॉडी, नियर द फ्रंट ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ द बॉडी जो हिस्सा होगा, पार्ट ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड टू द फ्रंट, जो आगे वाला होगा, फ्रंट ऑफ बॉडी, और इसको हम बोलेंगे पार्ट ऑफ द बॉडी जो होगा इज डिस्क्राइब्ड टू द बैक ऑफ द बॉडी। तो इसका ये मतलब हो गया कि हम इधर एक एग्जाम्पल से कोट करूंगा मैं, यहाँ पे मैं इसके बाद खत्म करूंगा ये वीडियो, क्योंकि जो स्टर्नम होती है, स्टर्नम बोन होती है, वो क्या होती है, वो होती है इज एंटीरियर, वो आगे होती है टू द वर्टिब्री, वर्टिब्री के सामने।